फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। चूरू के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान का मॉक ड्रिल किया। इस दौरान मतदान की अहमियत को समझाया गया और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 8वीं क्लास तक के छात्रों ने पोलिंग बूथ में पीठासीन अधिकारी, पोलिंग एजेंट, ईवीएम के अलावा अलग अलग पार्टियों के एजेंट्स के को बैठाया गया। इस दौरान छात्रों ने मतदान भी किया और एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची चूरू के स्कूल में। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हमने भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के कई कार्यक्रम देखे तो हमें लगा कि इस तरह के कार्यक्रम हम भी हमारे विद्यालय में कर सकते हैं, इसलिए हमने पिछली बार भी इस तरह के कुछ कार्यक्रम किए थे और गांव में, शहर में अलग अलग रैलियां निकाली, नुक्कड़ नाटक करे और विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई। और इस बार हमने नोकल जो रियल वास्तव में जो कमरा होता है जहां पर मतदान किया जाता है ऐसा बनाने का प्रयास किया है। देखो, जहां किसी भी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत गिरता है तो कोई एक वर्ग का आधिपत्य वहां पर रहता है, तो ज्यादा लोग यदि मतदान करेंगे तो सभी लोगों को अपना हक मिलेगा और इसके लिए जो सभी लोग मतदान करेंगे तो राष्ट्र की उन्नति। आज हमारे द्वारा छात्रों को एक मॉक पोल का आयोजन किया गया ताकि ये छात्र भविष्य में ये भी 18 साल की उम्र होने के बाद है मतदाता बनेंगे तथा ये भी अपनी सरकार में है वो भागीदारी सुनिश्चित कर सके तथा अपने घर परिवार, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, गले मोहल्ले में वो मतदान का वो महत्व है बता सके ताकि एक अच्छी सरकार का गठन किया जा सके और अच्छी सरकार ही वो एक देश का, प्रदेश का अच्छे से विकास है वो कर सकती है। भारत अपने जीवंत लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है और इस जीवंत लोकतंत्र को पनपाने का काम भारत के नागरिक करते हैं। कुछ ही समय बाद राजस्थान के लोग हैं वो इस लोकतंत्र के महापर्व में चले जाएंगे। ऐसे में रामचित्र गांव के महात्मा गांधी के इन छोटे और नन्हे मुन्ने छात्रों ने ये सीख देने का काम किया है कि इस लोकतंत्र के पर्व में अपना मतदान करके भारत को और मजबूत और सशक्त बनाए। ये बच्चे जानते हैं कि यदि अच्छी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा, छात्रों का भविष्य संवरेगा। ऐसे में छात्र है वो जानते हैं मजबूत लोकतंत्र का महत्व है और इसी को आज दर्शाने का काम इन रामचित्र भेड़वाले की महात्मा गांधी के नन्हे मुन्ने छात्रों ने करके दिखाया है। राजस्थान में कुछ समय के बाद लोकतंत्र का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व के अंदर हर कोई अपने मतदान की आहुति देगा, लेकिन आज हम आपको मतदान से पहले ही मतदान की एक झलक दिखलाने जा रहे हैं। यह मतदान केंद्र है और इसके अंदर तमाम वो प्रक्रिया होगी जो मतदान के दौरान होती है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वो हमें समझाएंगे कि किस प्रकार से मतदान होता है और मतदान देना क्यों जरूरी है, मतदान करना क्यों जरूरी है। हम पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे। आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? हम सभी अलग अलग पार्टियों के एजेंट हैं। तो ये सभी है वो अलग अलग पार्टियों के एजेंट हैं। क्या काम है आपका? हमारा काम मतदाता की पहचान करना है। अगर कोई व्यक्ति दोबारा या गलत वोट देगा तो हम उनका विरोध करेंगे। तो ये मतदाताओं की पहचान करते हैं और अलग अलग पार्टियों के एजेंट है ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार के कोई गलत मतदान ना हो सके। ये पीओ प्रथम है। पीओ प्रथम का क्या काम होता है? मतदाता की पहचान करना। मतदाता की पहचान करना। हमारे साथ पीओ द्वितीय भी है। आपका क्या काम है? आप मतदाता का विवरण 17 के रजिस्टर में दर्ज करना व मतदाता के दाएं हाथ के अंगुली पर अमित सही का निशान लगाना। कहाँ सही कहा है आपके पास? ये रही हमारी। कहाँ लगती है? इस अंगुली पर लगती है? नहीं नहीं, इस अंगुली पर। अच्छा, तो इनका काम है कि मतदाता की पहचान करना और सही लगाना ताकि पहचान हो सके, किस प्रकार का फर्जी मतदान नहीं डाल सके। ये पीओ तृतीय है। आपका क्या काम है? बुलेट जारी करना। बुलेट जारी करना। तो देख पा रहे हैं पूरी एक रस्सी भी लगाई गई है, पूरी मतदान की प्रक्रिया वो यहाँ पर दर्शाई गई है। ये ईवीएम है जहाँ पर मतदाता आकर अपना मत देता है और बाकायदा यहाँ पर घंटी भी इन छात्रों के द्वारा लगाई गई है। आप सुन पाओगे ये घंटी भी सुन पाओगे। तो पूरी प्रक्रिया है वो इन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के नन्हे मुन्ने छात्रों के द्वारा दर्शाई गई है। हमारे साथ पीठासीन अधिकारी भी, इनसे भी हम जान लेते हैं। आपका क्या काम है यहाँ पे? मेरा काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। और किस प्रकार कोई गलती होती है तो क्या करते हो फिर आप? हम उनकी आईडी चेक करते हैं। तो आपने देखा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान क्यों जरूरी होता है और पूरी प्रक्रिया है वो आपने एनडीटीवी के माध्यम से समझी होगी। ये नन्हे मुन्ने बच्चे वो समझा रहे हैं। यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो यहाँ पर मतदान प्रक्रिया शुरू, मतदान करने के लिए छात्र वो आ चुके हैं, मतदाता आ चुके हैं। अब
यहाँ पर एक एक मतदान है वो चेक किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि मतदाता का पूरा पूरा चेक है वो किया जा रहा है। यहाँ पर दूसरा मतदाता है वो आया है और चेक किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए पीओ पत्ता उन्होंने पूछा है ये ओरिजिनल मतदाता या नहीं है। यहाँ पर ओके का निशान लगा दिया गया है और अब क्रॉस कर दिया गया जिनकी आईडी है। अब यहाँ पर दूसरे पीओ ड्यूटी उनके पास मतदाता पहुंचा है और इनकी पूरी जांच पड़ताल हो रही है। अब इनको बाकायदा रसीद दी जा रही है और इनकी उंगली के ऊपर अब स्याही लगा दी जाएगी। उनकी उंगली पर अब स्याही लगा दी गई है। अब मतदाता वो आगे पहुंचे हैं और इनको अब एक पर्ची दे दी गई है। अब मतदान करने के लिए मतदाता है वो ईवीएम मशीन पर बढ़ रहे हैं और मतदाता के अंदर ये ईवीएम आपने सुना होगा घंटी बजने के साथ यहाँ पर मतदान हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतदाता है वो लोकतंत्र को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सभी प्रकार से मतदान है वो हो रहा है और मतदान की प्रक्रिया वो हो रही है। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी के इन विद्यार्थियों ने काफी अच्छी प्रक्रिया के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार से मतदान होगा। ये विद्यार्थी अपील भी कर रहे हैं कि सभी को इस मतदान के अंदर मत देना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत हो सके। वैसे भी भारत का लोकतंत्र है वो दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है वो भारत का लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि हम और आप अपने वोट के जरिए अपने मतदान के जरिए अपने नेता चुनते हैं अपनी सरकार चुनते हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को सही मतदान करने का संदेश देते ये बच्चे और उनसे स्पेशल बातचीत की एनडीटीवी ने, आपने देखी।